दोस्तों सरकार ने पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम में कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। एक सर्कुलर जारी किया गया है 25 मई 2023 को, जिसके अंदर अब आपको रिवाइज केवाईसी देना होगा, यानी आपको एडिशनल प्रूफ, एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर, अगर आप परचेस करना चाहते हैं कोई भी सिक्योरिटी, निवेश करना चाहते हैं, या अगर आप अप्लाई भी करते हैं मैच्योरिटी के लिए, प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए, तो आपको एडिशनल प्रूफ यानी इनकम प्रूफ देना होगा, सोर्स ऑफ फंड का प्रूफ आपको देना होगा। पोस्ट ऑफिस द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा यह सर्कुलर जारी किया गया अपने सभी पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स के लिए कि अगर कोई भी निवेशक है, कोई भी इन्वेस्टर है जो निवेश करना चाहता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो अब उन्हें पैन कार्ड, आधार कार्ड के अलावा एडिशनल जो प्रूफ है यानी इनकम प्रूफ भी देना होगा। यह किन लोगों के लिए अप्लीकेबल है, क्या लिमिट रखी गई है, इनके अलावा भी और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको देने होंगे, पोस्ट ऑफिस द्वारा यह सर्कुलर पूरा जारी किया गया 25 मई 2023 को। इस सर्कुलर के अंदर अगर आप निवेश करते पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम के अंदर, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट क्यों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्यों ना हो, एनएससीओ, किसान विकास पत्र की स्कीम क्यों ना हो, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा निवेश करते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी के कस्टमर में अगर आप आ जाते हैं, तो उस केस में अब आपको इनकम प्रूफ यानी अपना प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड देना होगा, यानी पैसा आपका सोर्स क्या है, कहां से आप निवेश कर रहे हैं, जिसका प्रूफ आपको देना होगा। क्योंकि सरकार अब चाहती है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर कोई फाइनेंशियल टेररिज्म के जो फंडिंग होती है पोस्ट ऑफिस के अकाउंट को यूज करके उसको रोका जाए, जिस वजह से ये केवाईसी के अंदर एडिशनल जो रिक्वायरमेंट अब मांगी जाएगी इस सर्कुलर के थ्रू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे हाई रिस्क कस्टमर है जिनको ये एप्लीकेबल होगा इनकम प्रूफ देना, इसके अलावा और कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो सभी पोस्ट ऑफिस निवेशकों को देने हैं, और इन जो केवाईसी है वो कितने साल के अंदर वापस आपको जो री केवाईसी करनी पड़ेगी, यानी कितने साल के बाद वापस जो है आप को ये डॉक्यूमेंट जो वो सबमिट करने रहेंगे पोस्ट ऑफिस को, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया जो सर्कुलर है, जिसके अंदर केवाईसी नॉर्म्स के अंदर अब आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट देना यानी प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड देना, इनकम प्रूफ देना, पर ये सभी के लिए नहीं है, कुछ कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के लिए है। तो आइए देखते हैं क्या है कैटेगरी ऑफ कस्टमर। इस सर्कुलर के अंदर जो जारी किया गया है कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर यानी रिस्क कैटेगराइजेशन, जिसके अंदर अमाउंट जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे आप अकाउंट ओपन करवाएं या आपने अगर कोई परचेज करिए सेविंग सर्टिफिकेट, या आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है जिसके अंदर आपकी क्रेडिट पड़ी है, आप मैच्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर तीन कैटेगरी रखी गई है। लो रिस्क कैटेगरी रखी गई है, सेकंड हमारी है मीडियम रिस्क कैटेगरी, और थर्ड हमारी है हाई रिस्क कैटेगरी। जो लो रिस्क कैटेगरी है, जिसके अंदर कस्टमर जो अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं कोई सेविंग सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप कोई मैच्योरिटी प्री मैच्योरिटी क्रेडिट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में 50,000 तक का अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, परचेज करते हैं सिक्योरिटी, तो उस केस में आप लो रिस्क कस्टमर के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपका जो बैलेंस है सभी अकाउंट को मिलाकर, आपके सेविंग सर्टिफिकेट को मिलाकर 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50,000 के अंदर है तो उस केस में आप लो रिस्क कस्टमर के अंदर आएंगे, लो रिस्क कैटेगरी में आएंगे। बात करते हैं अब मीडियम रिस्क कैटेगरी के बारे में, कस्टमर की मीडियम रिस्क कैटेगरी की, जिसके अंदर अगर आपका बैलेंस 50,000 से एक्सीड हो जाता है और 10,00,000 के अंदर है, तो उस केस में आप मीडियम रिस्क कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। यानी अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, परचेज करते हैं सेविंग सर्टिफिकेट, या अप्लाई करते हैं मैच्योरिटी के लिए, प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए, तो उस केस में आपका जो बैलेंस है 50,000 से एक्सीड हो रहा है, यानी आप लो कैटेगरी के नहीं आएंगे, लेकिन आप मीडियम कैटेगरी के रिस्क माने जाएंगे, कस्टमर माने, मीडियम रिस्क कस्टमर माने जाएंगे 50,000 से लेकर 10,00,000 के अंदर। और आपके सभी अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंसेस है, सेविंग सर्टिफिकेट है, उसमें जो अमाउंट है वो 10,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं हाई रिस्क कैटेगरी की, यानी हाई रिस्क कस्टमर की, जो अगर आपका जो बैलेंसेस है अकाउंट ओपन करते हैं 10,00,000 रुपए से ज्यादा का, अगर आप सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, अप्लाई करते हैं मैच्योरिटी के लिए, प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए, तो उस केस में आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, और आपके सभी अकाउंट को मिलाकर सेविंग सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट को मिला के 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तीन कैटेगरी यहां पर रखी गई है, रिस्क कैटेगरी रखी गई है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। जो हाई रिस्क वाले कस्टमर है यानी जो 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं, परचेज करते हैं सेविंग सर्टिफिकेट या अपनी एग्जिस्टिंग सेविंग इंस्ट्रूमेंट है अगर आपके पास, मैच्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं, प्री मैच्योरिटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको इनकम प्रूफ देना होगा। जो हाई रिस्क कैटेगरी के कस्टमर है, 10 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उस केस में आपको इनकम प्रूफ यानी प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड आपको डिक्लेयर करना होगा पोस्ट ऑफिस को। ध्यान रखिएगा सर के अंदर अब एडिशनल डॉक्यूमेंट हाई रिस्क कस्टमर वालों के लिए रखा गया है, जिसके अंदर अब आपको प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड यानी इनकम प्रूफ पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को देना होगा, चाहे आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट अगर आप परचेज करते हैं या फिर अगर आप क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी आपकी मैच्योरिटी है, प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी एग्जिस्टिंग सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उस केस में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप निवेश करते हैं तो आपको इनकम प्रूफ आपको देना होगा। इनके अलावा दोस्तों जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, जो रेसाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया, बाहर के फॉरेन कंट्री में रहते हैं, पब्लिक फंक्शन अटेंड करते हैं, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट के हेड्स हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं या फिर सीनियर ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जिनको भी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जो रिसाइड करते हैं यानी बाहर के देश में रहते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ऐसे लोगों ने अगर अकाउंट होल्ड करके रखा है, पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं या अकाउंट की मैच्योरिटी लेते हैं, तो उस केस में उन्हें भी हाई रिस्क कस्टमर रखा गया, उनको भी इनकम का प्रूफ, इनकम डॉक्यूमेंट जो है सोर्स ऑफ फंड वो भी देना होगा। हाई रिस्क कैटेगरी के कस्टमर कौन है जिन्हें प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड देना है, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या आपको सबमिट करना है केवाईसी के रूप में अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड यानी कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस स्टेटमेंट देना होगा, जो आपका रिलेट करता हो, आपका जो भी सोर्स है, जो भी रिसिप्ट ऑफ फंड है वो रिलेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पिछले 3 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो कोई भी एक इनकम टैक्स ITR जिसके अंदर जो भी आपकी ग्रॉस इनकम दिखा रही है वो आपकी मैच करनी चाहिए, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा। थर्ड पॉइंट है जिसके अंदर आप सेल डीड, वील या फिर आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गिफ्ट डीड या सक्सेशन सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इनके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट है जो आपका रिसिप्ट ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड प्रूफ कर सके, तो वो भी आप दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप माइनर है तो उस केस में ये जो नॉर्म्स है वो गार्जियन पर अप्लाई हो जाते हैं, और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है तो उस केस में सभी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर पर ये नॉर्म्स जो वो अप्लाई हो जाएंगे। तो जो हाई रिस्क कैटेगराइज जो पर्सन है जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा निवेश करना है किसी भी स्कीम के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं या कोई भी पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो आप हाई रिस्क कैटेगरी के कस्टमर में आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको ये एडिशनल प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के अलावा क्या एडिशनल और डॉक्यूमेंट आपको देने हैं सभी रिस्क कैटेगरी के लिए, चाहे आप लो रिस्क हो, मीडियम रिस्क वाले कस्टमर हो या फिर हाई रिस्क कैटेगरी के कस्टमर हो, आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं इररिस्पेक्टिव आपकी क्या रिस्क कैटेगरी है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं केवाईसी नॉर्म्स के लिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपको पासपोर्ट साइज फोटो देनी है, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको सबमिट करनी होगी अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो उस केस में सभी अकाउंट होल्डर, जो भी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, उन सबकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी होगी। इनके अलावा आईडी प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड और पैन कार्ड आप दे सकते हैं। अगर पैन कार्ड आपने अकाउंट ओपन करते वक्त नहीं सबमिट करवाया है, तो उस केस में अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 50,000 से ज्यादा एक्सीड हो जाता है या क्रेडिट जो है पूरे साल के अंदर सभी अकाउंट को मिलाकर अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड हो जाती है या अगर आप ट्रांसफर करते हैं सभी अकाउंट को मिलाकर 10,000 से ज्यादा, तो उस केस में आपको पैन कार्ड विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर सबमिट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, उस समय के लिए आपको कोई भी ब्याज पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अगर एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर प्रेजेंट एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो या फिर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइट बिल दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई जॉब कार्ड बिल है तो वो भी आप दे सकते हैं, पेंशन अगर आपको आती है तो उसका ऑर्डर आप दे सकते हैं, तो कोई भी प्रूफ जो है, जो इसमें आपका एड्रेस जो है प्रेजेंट एड्रेस मेंशन हो, वो आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए दे सकते हैं। साथ अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, अगर कोई इलिटरेट है तो उस केस में वो गजेटेड ऑफिसर से जाकर अटेस्टेड करवा सकता है, अगर कोई माइनर चाइल्ड है, माइनर गर्ल चाइल्ड है, तो उस केस में इन एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, और गर्ल चाइल्ड है तो बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर खुलवाना है तो। माइनर के केस के अंदर जो गार्जियन अगर है तो उस केस में गार्जियन के भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने हो सकते हैं। अगले पॉइंट पे तो जो केवाईसी हमने
किया है उसको रीकेवाईसी यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंसी आपको कितने समय पीरियड के लिए करवानी है, जो डिपेंड करता है आपके रिस्क कैटेगरी के लिए। यानी फिर से आपको केवाईसी कितने समय पीरियड के लिए, कितने साल के अंदर करवानी है, जो भी डिटेल है वो इस सर्कुलर के अंदर दी गई है। तो रिस्क कैटेगरी हमने आपको ऑलरेडी बता दी, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। और इस हिसाब से ही आपको जो लो रिस्क वाले जो कस्टमर है जो कैटेगराइज की गई, जिसके अंदर जिसको हर 7 साल के अंदर जो है अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करवाने होंगे, केवाईसी करवानी होगी। और जो मीडियम रिस्क के कस्टमर है कैटेगरी जो रखी गई उन लोगों के लिए 5 साल का समय पीरियड दिया गया, लेकिन जो हाई रिस्क के कैटेगरी है कस्टमर है उन लोगों के लिए 2 साल का समय पीरियड रखा गया। यानी 7 साल, 5 साल और 2 साल के समय पीरियड के अंदर भी आपका कस्टमर ड्यू डिलिजेंसी करवाया गया था, जब आपने अकाउंट ओपन करवाया था, इन्वेस्टमेंट करवाया था, अप टू डेट करने के लिए, इसको फिर से रिव्यू करने के लिए यह टाइम पीरियड दिया गया जिसके अंदर आपको वापस रीकेवाईसी करना होगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे आपको 5 साल, 7 साल या 2 साल के बाद इनको वापस अप टू डेट करना होगा। तो ये नॉर्म्स भी जो है वो इस सर्कुलर के अंदर जारी किए गए हैं। तो अगर आप निवेश करते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा, आप हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उस केस में आपको इनकम प्रूफ यानी प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड डिक्लेयर करना होगा, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं, ताकि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों को या फिर टेरर फंडिंग जैसी चीजों को रोक सके, जिस वजह से ये एडिशनल केवाईसी नॉर्म्स जो वो जारी किया गया है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप निवेश करते हैं, तो उस केस में आपको एडिशनल प्रूफ, एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होगा अकाउंट ओपन करवाने के लिए, निवेश करने के लिए, मैच्योरिटी का पैसा, अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है, अगर मैच्योरिटी का पैसा निकालवाना भी चाहते हैं आप, तो भी आपको ये एडिशनल इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट जो वो देना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।